वेलकम टू फरीद इलेक्ट्रीशियन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक, जैसे आप देख सकते हैं, ये बल्ब होल्डर है, ये बल्ब है, ये होल्डर है, इसमें ये दो तार लगे हुए हैं। अब हम इन दो तारों को इसमें लगाएंगे सॉकेट में, ये बल्ब जल गया, ठीक है। अब इसको ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग अपने घर में बल्ब वगैरह लगाते हैं और इसको बंद करने का सिस्टम कि इसमें हम स्विच लगा लें और स्विच से ऑन ऑफ हो जाए, वो कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक प्लग है, इसके ये दो तार हैं। अब हम इसको बल्ब को लगाएंगे और इसको स्विच से करना है कि हम स्विच से इसको ऑन ऑफ कर सकें, तो इसका कनेक्शन कैसे होते हैं, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डोरी ले ली, इसमें से हमने एक तार ये लिया, देखिए ये एक पकड़ लिया और इसका एक तार हमने बल्ब का ये ले लिया। इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ रहे हैं, यूँ समझिए, इसको मान के चलिए ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल आया, ये आया और ये होल्डर में चला गया। अब बताइए दूसरा तार, ये है हमारा फेस, अब इसका कनेक्शन कैसे होगा। फ्रेंड्स, ये हमने स्विच के किसी भी हिस्से में हम लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो है फेस वो नीचे लगाया जाता है, ऊपर जो है तार लगते हैं दूसरे वाले बल्ब के या पंखों के। ये हमने इसमें एक तार ये डोरी वाला लगा दिया। अब इसके बल्ब के जो होल्डर के दो तार थे, हमने एक उसमें डायरेक्ट जोड़ दिया था और एक तार हमने दोस्तों इस स्विच में लगा दिया, इस तरीके से ये लग गया। अब इस प्लग को हम लगाएंगे डायरेक्ट करंट में, ये हमने लगा दिया। अब हम जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, बल्ब हमारा जल गया, ये बंद करेंगे, बल्ब बंद हो गया। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तार कौन से लगते हैं, कैसे लगते हैं, तो इसमें ये देखना है कि दो जो हमारी दो मेन जो आ रही हैं मेन, उसमें एक तार जो है वो डायरेक्ट जुड़ता है, हमेशा एक डायरेक्ट जुड़ गया और मेन का एक तार स्विच में ही आ गया और एक बल्ब का तार आ गया। जैसे हमने ऑन करा, ये करंट ऑन करा, इससे इसमें स्विच से आन के डायरेक्ट बल्ब में चला गया, बंद करा तो ये करंट बंद हो गया, न्यूट्रल हमेशा होल्डर में जाता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल शेयर करें। थैंक यू।